टीम इंडिया को जल्द ही साउथ अफ्रीका दौरे पर जाना है। आपको बता दें, टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ने से पहले आप हमें बताएं, क्या टेस्ट क्रिकेट में रोहित शर्मा को कप्तान बनाया जाना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में भारत की प्लेइंग 11 क्या होगी। आपको बता दें, साउथ अफ्रीका में रोहित शर्मा और केएल राहुल बतौर ओपनिंग बल्लेबाज खेलते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि दोनों ही खिलाड़ी न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन साउथ अफ्रीका दौरे पर दोनों ही खिलाड़ी ओपन करेंगे और भारतीय टीम को मजबूती प्रदान करते हुए नजर आएंगे। तीसरे स्थान पर चेतेश्वर पुजारा को मौका दिया जा सकता है। आपको बता दें, पुजारा विदेशी पिचों पर काफी कारगर साबित होते हैं और भारतीय मध्यक्रम को संभालते हैं। इसके अलावा कप्तान विराट कोहली नंबर 4 पर बल्लेबाजी करेंगे। आपको बता दें, विराट कोहली के बल्ले से पिछले 2 सालों से हमें कोई भी शतक देखने को नहीं मिला है। अब उम्मीद है कि विराट कोहली एक बड़ी पारी खेलकर अपने इस सूखे को खत्म करेंगे। भारतीय टीम में नंबर 5 पर श्रेयस अय्यर को मौका मिल सकता है। श्रेयस अय्यर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार डेब्यू किया है। आपको बता दें, वैसे भी अजिंक्य रहाणे की फॉर्म खराब है और अजिंक्य रहाणे को टीम से बाहर करने की बात चल रही है। बतौर विकेटकीपर ऋषभ पंत टीम में शामिल होंगे। ऋषभ पंत ने विदेशी पिचों पर लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है और इसी वजह से ऋषभ पंत भारतीय टीम का एक महत्वपूर्ण सदस्य बन चुके हैं। भारतीय टीम में बतौर स्पिन गेंदबाज रविंद्र जडेजा को शामिल किया जा सकता है। रविंद्र जडेजा विदेशी पिचों पर न सिर्फ कारगर साबित होते हैं बल्कि बल्ले से भी भारतीय बैटिंग को गहराई प्रदान करते हैं। क्योंकि टेस्ट सीरीज साउथ अफ्रीका में होने वाली है, इस वजह से भारतीय टीम में आपको 4 तेज गेंदबाज खेलते हुए नजर आने वाले हैं। ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को शामिल किया जा सकता है। अगर हम पहले टेस्ट मैच में भारत की प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो रोहित शर्मा, केएल राहुल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को मौका दिया जा सकता है। आपकी राय में क्या भारतीय टीम साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज जीत पाएगी? आप अपनी राय नीचे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।